दो दर्जन निकाल। सब चलाए भाई गाँव का लेना भाई, आराम ले लो बस भाई, यही 50 ग्राम। हेलो नमस्ते, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, 3:30 बजने वाले हैं। अभी मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है और घर के बाहर देख रहे हैं बारात आई है, दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए बारात आई है मेरे घर के बाहर। और ये है दीपांशु। दीपांशु बोलो, दीपांशु बोलो, बच्चे बोलो, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते बोलो, नमस्ते मान सोनो, नमस्ते करो, नमस्ते अनु तुम भी करो। ये देखिए ये लप्पी वाला छो नन्ना छो मुन्ना छो, ये देवर है मेरा। क्या हुआ तो अभी देखिए मैं तैयार हूँ कहीं जाने के लिए। पीछे का ये आगे का कैमरा ना पता नहीं क्यों अजीब सा आता है। ये देखिए पीछे कुछ दिख नहीं रहा होगा ना ठीक से, ऐसे थोड़ा सा दिखेगा फिर अपने आप ऐसे हो जाएगा। ये देखिए मत मारो बेटा, इसे डांट के भगा दो। तो कहीं जाने वाली हूँ मैं, अभी जा रही हूँ, बिल्कुल उसी के लिए रेडी हुई हूँ। तो व्लॉग मैंने आज सुबह से शुरू भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा जा रही हूँ तो आप सभी को भी लेके चलती हूँ। और होली की होली है तो आप सभी को पता ही है कि होली के माही आ रही है सामने दुकान से बाबू को लेके। होली के टाइम पे मैं कहीं और नहीं जा सकती हूँ, पता ही है आप सभी को। कहाँ जा रही हूँ ये पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी बता दे, अभी चलती हूँ ना, आप सभी को खुद ही पता चल जाएगा। और बाबू गया था दुकान, इसको लेके नहीं जा रही हूँ, माही है यहीं पर देखेगी और इन्हीं के साथ जाऊंगी। तैयार हूँ बिल्कुल से, बस निकलने वाले हैं अभी। आप सभी को चल के रास्ते में मिलती हूँ, ठीक है? कब हो? कहाँ पहुँचने नहीं पा रहा सुबह से। अच्छा वैसे तब तक मैं यहीं तक ले कि ना आ भाई सुनाओ ये अबीर कैसे भैया? अभी 20 रहेगा, 20 रहेगा। हां दे दे कितना? एक एक पौवा दे दे, सब मेरे दे दे एक पौवा। आ नहीं एक काम कर, एक पाव में दुई कलर दे दे, ये दोनों। अरे ये पैकेट वाला कितने कितने के है? 10-10 वाला। और लाल वाला नहीं दिया? आ, रंग नहीं है क्या भैया? रंग कैसे वाला है, डिब्बी वाला है कैसे? तब 50 दा नीली वाली, नीली वाली दा, नीली वाली। रंगावा कैसे रे था? 50 के 50 ग्राम, 50 के 50 ग्राम वाला ले ली। कौन कलर दे? लाल गहरा, यही लाल वाला भाभी हमारे। तो मैं आई हूँ चौराहे पे, हमारे पास का जो मार्केट है वहाँ, चौराहे पे नहीं अपने पास के मार्केट पे आई हैं। और होली है तो आप लोगों ने देख ही लिया कि होली के लिए मैं ले रही हूँ बच्चों के लिए अपने, और मुझे भी कुछ काम था इसलिए मैं भी आई हूँ साथ में, वरना ये आते बच्चों को दिला के चले जाते, हर साल ये ऐसा ही करते हैं। और नैन्सी भी मेरे साथ में थी, तो अभी छोटी सी बच्ची है, इतने सारे सामान मतलब इतने सारे खिलौने और इतने सारे पिचकारियाँ देख के ना कन्फ्यूज हो रही थी कि उसे कौन सा चाहिए, पूछ रही थी बेटा कौन सा चाहिए बताओ, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा चाहिए। छोटी सी बच्ची है, उसको अभी इतना मतलब बहुत सारी चीज़ छोटा बच्चा देख लेता है तो फिर वो नहीं समझ, जब हम ही नहीं समझ पाते कभी कभी तो वो तो बच्ची है। तो मैं बोल रही थी कौन सा लोगी बताओ भाई, कौन सा लोगी,
तो बता ही नहीं पा रही थी। एक बार माही होती ना तो वो बोलती, अरे मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि बहुत कम जिद करते हैं, बहुत कम जिद करते हैं कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो चाहिए। अगर एक बार बोली मम्मी मुझे इसे लेना है, बोलूँगी बेटा नहीं ऐसे, ये ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ना लो ना लो। तो 2-3 बार जब मैं रिपीट करूँगी ना तो मान जाती हैं बहुत जल्दी। बहुत 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 ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है मेरे बच्चे, थोड़े बहुत ज़िद्दी हैं जितना सब बच्चे होते हैं। बहुत एक दो बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये जो देख रही थी अभी ना, तो ये डिक्शनरी वाला बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल में ये लगा के ऐसे पिचकारी मारने वाली थी। तो मैं इन्हें बोल रही थी कि इसे भी दिला दीजिए और ऐसे वाली भी दिला दीजिए एक पिचकारी। तो सोना बोले थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, सोना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पिचकारी का है। वो बोले थे मम्मा ये इतना छोटा सा, मैं इसे नहीं लूँगी। मैंने कहा बॉटल में लगेगा। वो खरी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ पिचकारी ले लो। तो हम लोग देख रहे थे, यहाँ हमारे भैया हंस रहे थे इसके पापा कुछ बोल रहे थे तो ये भैया दुकान वाले हंस रहे थे और मैं भी यहीं पर थी। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं नैन्सी को कौन सी पिचकारी लेते हैं। आप सभी देखिएगा, आ भैया ले रहा। अरे वो भीड़ लगी है अबे, कौन वाली प्राय एक ही सब चलाए तो नहीं है। 1 रुपया भी नहीं है, 80 रुपया। ये तो यहाँ भर के चली इसको। दूसरा लेने को तो मन नहीं है, बताना। हेलो, हाँ आदि सही ना। दूसरे का कौन बताओ, 30 इंच ले हैं। तो अभी जो सामान लेना था वो मैंने ले लिया है और इतनी ज़्यादा भीड़ है आज, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, कहीं पे मतलब जगह नहीं मिल रही खड़े होने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ पार्लर के, पार्लर में आ गई हूँ। कोई नहीं है क्या बाबा? कोई नहीं क्या दुकान में? कहाँ गई है मम्मी? घरे हैं। तो अभी नहीं आएंगी क्या दुकान? देखिए मैं आई थी पार्लर में, मुझे करवाना था थ्रेडिंग, थ्रेडिंग करवाना था बेटा। तो मम्मी अभी आ जाएगी? घर कहाँ है, दूर है कि यही पास में है? ज़्यादा दूर नहीं है, एक आधा आधा मिनट घंटा लगेगा। नहीं। अच्छा रहन दो बेटा, रहन दो, अभी मैं जा रही हूँ कहीं और जा रही हूँ। यहाँ पे आई थी, मैंने सोचा कि यहीं पे करवा लेती हूँ, पास में सामान खरीद रही हूँ तो यहीं पे करवा लूँ, लेकिन अभी नहीं, इनकी मम्मी नहीं है कहीं है और मुझे लेट हो रहा है। ये भी बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो, तो मैं चल रही हूँ कहीं और पे और मुझे कुछ और लेना है। चलती हूँ पहले वो ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। दीदी गछिया बने ला का आवा तनी। तो अभी मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक स्टोर पे और मुझे लेनी थी यहाँ पे चूड़ियाँ। चूड़ी बेटा निकाल के दिखा दो। हाँ ये ऐसे, ये डेली यूज़ के लिए, ये ऐसी चूड़ियाँ देखिए, डेली यूज़ के लिए लेना था मुझे। और दुकान वाली दीदी ना बना रही है गुजिया, मैदा सान रही है। ये लाल वाली निकालो बेटा, लाल वाली, हाँ हाँ सिंपल वाली, हाँ ये 2-4 देना साइज में। ये 2-6 है, बड़ी है, 2-4 वाली, 2-4 वाली है ना, एक दर्जन। हल्दी सेट देखिए कितनी अच्छी अच्छी हल्दी सेट, कै रुपए के बेटा?
180 सी बहुत अच्छी लग रही है। किसी की हल्दी होगी तो मैं लेके जाऊंगी यहाँ से। दो चार है ना? हाँ एक दर्जन। दो दर्जन निकाल। वो चूड़ियाँ मैंने ले ली है, अभी निकाल रही है बिटिया रानी। मम्मी इनकी काम कर रही है क्योंकि त्यौहार है ना, तो सबके यहाँ काम होता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ है कि बाप रे, कहीं पे खड़ी नहीं हो, खड़े होने के लिए जगह नहीं। इतनी गर्दिश हो गई है आज। और मुझे नहीं लगा था कि मैं होली पे ना पहली बार यहाँ पे आई हूँ। वैसे रक्षाबंधन पे आती थी सामान वगैरह लेने के लिए जब मम्मी यहाँ जाना रहता था, लेकिन होली पे पहली बार आके और मैंने देखा कि बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा भीड़ की। कपड़े के दुकान पे गई, वहाँ पे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। सुबह कल ये ले गए थे बच्चों के लिए कपड़े, तो मैंने देखा तो छोटे थे, तो मैंने इनसे कल ही बोला कि चेंज करवा लीजिए, तो ये बोले कि बहुत ज़्यादा भीड़ है कल जाना। और कल आई, आज आई तो आज आके देखा और ज़्यादा भीड़ है, कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल में भैया ने दिया, तो मैंने बाबू के लिए माही मानसी नैन्सी, मानसी नहीं है नैन्सी और माही के लिए कपड़े, बाबू के लिए मैं कुर्ते पैजामे ढूंढ रही थी, मिली नहीं रही थी, इतनी भीड़ थी, भैया दिखाई नहीं रहे थे किसके किसके सुने, तो बाबू के लिए मैंने हाफ वाले कपड़े ले लिए हैं, वही उसी में काम चलेगा, फिर कभी देखा जाएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, आपसे पहले से मंगवा लिया करूँगी, इतनी ज़्यादा भीड़ है। दो बेटा लो पैसा। तो अभी वहाँ से सामान लेके मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और ये यहीं पे खड़े थे, नैन्सी भी साथ में थी, लेकिन ये कहीं गए हैं, तो बस इन्हीं का वेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शोर शराबे हो रहे हैं यहाँ पे, तो आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होगी। घर चल के आप सभी से बातें करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चूड़ियाँ ली है, और एक ये मैंने ले ली है लिक्विड वाली बिस्किट। इतनी भीड़, बाप रे बाप, पूरा मेला लगा हुआ है। इतनी भीड़, इतनी भीड़, बाप रे, पैर रखे को सांस नहीं है। सोना अपने मन का पिचकारी की है, सोना पिचकारी पसंद आई थी कि नहीं? तो मैं आ चुकी हूँ अभी घर के पास, आप सभी देख ही रहे हैं। इन्हें कुछ काम था तो ये गांव के चौराहे पे ही उतार के मुझे चले गए हैं, तो मैं चली जाऊंगी। इतने पास में, घर के पास ही थी, तो इन्होंने कहा मुझे बहुत जल्दी कोई आया है, बुला रहा है, तो मैंने कहा ठीक है यही भी उतार दीजिए, हम चले जा रहे हैं, आप चले जाइए अपने काम। ये कपड़े लेके आई हूँ, ये देखिए, ये बाबू के लिए है ये वाले कपड़े, ये माही के लिए मैंने फुल, ये प्लाजो क्या है, प्लाजो ये शायद। तो इतनी भीड़ थी बिटिया, कपड़े ही नहीं हो जाएगा ना तुमको? अरे वो बहुत ज्यादा भीड़ थी, ये सही है बिल्कुल, तुमको फिट आ रही है, वाओ बढ़िया है, ठीक है ना? चड्ढा इसी में होगा, देखो ये है, ये घर, ये मेरे हाथों में है खाना। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा भूखा है, मैं इसे जा रही हूँ खाना खिलाने के लिए। और माही थी, तो माही वो भी छोटी है, उसको भी इतनी अकल नहीं है। बाबू भूखा है, मैंने सब्जी चावल लिया, थोड़ा सा पहले मैं मेरे हाथों को धुलूंगी, फिर मैं बाबू को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को लगी है भूख। और छोटा सा नन्ना, मैंने सोचा था कान का कुछ लूंगी, ले ही नहीं पाई हूँ कान का, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ नहीं भीड़ थी जहाँ पे मैंने लिए हैं, ये मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर क्या बोल रही हूँ मैं भी, कॉस्मेटिक स्टोर पे भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्हें जल्दी थी ना, इसलिए नहीं ले पाई हूँ। तो मैं इनके साथ जाती हूँ कभी भी, ये मुझे ठीक से सामान नहीं दिलाते हैं, मतलब इनको जल्दी ही रहती है हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए। तो बाबू आप खाना खा ले, मेरा बेटा बच्चा पार्टी, हाँ गुब्बारे अभी से फूलना शुरू हो गए हैं, उन्हें तो कल लेना। देखो बाबू पिचकारी पटक रहा है, बहुत डालेगा बदमाश। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। मैंने सोचा था लूँगी कान के लिए, कान खाली करके गई थी मतलब इसीलिए कि वहाँ जाके ले लूँगी, है एक दो काम चलाऊ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैंने पहना ही नहीं, मैंने सोचा चलो ले लूँगी। और लिपस्टिक भी थी ना, मैंने इतने सारे कलर देखे थे, जब जाके मुझे पसंद आए।
सारे लिपस्टिक का सेम कलर होता है, मुझे समझ में नहीं आता है, कोई डार्क कोई थोड़ा सा लाइट, और जब दुकान में जाओ लेने के लिए ना वहाँ पे लाइट जलती रहती है, तो उस समय और भी नहीं समझ में आती है। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ जब कोई भी लिपस्टिक लेती हूँ तो, और मुझे लिक्विड ही पसंद है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलना है, आप सभी ने बोला था कल या परसों की वीडियो में, जिस दिन मैंने ग्रोसरी की वीडियो दिखाई थी, बोला था दीदी आज आप एक्टिव लग रही हैं, अच्छी लग रही है, ऐसे ही हमेशा रहा कीजिए। तो हमेशा मैं एक्टिव रहती हूँ, कुछ वो मेरा स्वभाव है जो आप सभी देखते हैं, पूरी तरह वो मेरा स्वभाव नहीं, कुछ उनमें से कुछ, मतलब मैं इतनी उतना ज़्यादा मुझे शोर शराबे नहीं पसंद है, थोड़ा शांत माहौल से रहती हूँ। और दूसरी बात कि घर में अकेली रहती ना इसलिए, और काम करते करते इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बच्चों चुप रहो, थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वीकनेस थी, तो मैं थोड़ा बीमार से दिखती थी। हालांकि अभी ठीक हूँ, कोशिश करती हूँ करूँगी कि हमेशा ऐसे से बार बार कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीवारें हिल गई है, मतलब चक्कर आ रहे हैं ना, अभी तबीयत खराब थी इस समय, तो इसीलिए तो कोशिश करूँगी कि हमेशा मैं आप सभी से ऐसे ही पेश आऊँ। और कल है होली, तो कल मैं पूरा होली का व्लॉग शूट करूँगी और आप सभी को दिखाऊँगी, फिर परसों जाऊँगी कहीं और, कल मम्मी को भूत बना दूँगी, भूत बनाएगी कल मुझे, तो मैं भूत बन जाऊँगी बाबा कल, तो परसों कहीं जाने वाली हूँ, तो परसों का व्लॉग में आप सभी देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा।